नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक निजी अखबार को ट्वीट करते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला है। दरअसल बिहार के जमुई, शेखपुरा और पटना के 6 PHC में कोविड टेस्ट के 885 एंट्री की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है उनमें अधिकतर मरीजों का मोबाइल नंबर की जगह 10-0 लिखे गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रितांबरा जुड़ चुकी हैं। रितांबरा, क्या है पूरा मामला कोरोना टेस्ट का? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक निजी अखबार को ट्वीट करते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला है। जी अलका, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में बहुत सारे टेस्ट हुए थे, जिसमें बहुत सारे टेस्ट में ये निकल कर सामने आया है कि जो फोन नंबर थे पेशेंट्स के, वहां पर 10-0 पाए गए हैं। मतलब कि टेस्ट नहीं हुए और वहां पे लोगों को नेगेटिव दिखाया गया है, और ये फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। जी अलका, अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या रितांबरा? जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि वो इस मामले में पूरी छानबीन करेंगे और जिन लोगों के भी नाम इसमें सामने आएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलका, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।